press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्बल पॉलिश में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रेनाइट से एरोरेट मसाला, जो जमी हुई मिट्टी किस प्रकार से साफ़ की जाती है और कौन सी भट्टी से की जाती है, कौन सा पेड इसके ऊपर चलाया जाता है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, कई दिनों से हमारे पास में कमेंट आ रहे थे कि आप ग्रेनाइट पत्थर को किस प्रकार से साफ़ करते हो, कौन सी भट्टी इसके ऊपर यूज़ करते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर हम कौन सी भट्टी यूज़ करते हैं जिससे एरोरेट उतरता है। ये आप देखिए, ये एक भट्टी है, पैड जिसे बोलते हैं, डिश भी बोलते हैं इसे लोग। तो ये रेजमाल वाली 80 नंबर की भट्टी है। ये आपको बहुत ही आसानी से ये पैड आपको मिल जाएगा दोस्तों, कहीं पर भी हार्डवेयर की दुकान पे, जो रेजमाल पैड इसको बोलते हैं और इसे डिश भी बोला जाता है। जो 80 नंबर रेजमाल डिश आपको लेके आनी है, उससे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ग्रेनाइट साफ होता है। चाहे कितना भी इसके ऊपर एरोडाइट वगैरह कुछ भी जमा हो, फेविकिक वगैरह कुछ भी इसके ऊपर लगा हुआ हो, या आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको साफ़ कर सकते हो आप, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पत्ती के। और ज़्यादातर लोग इसे पत्ती से खुरेज के इसको साफ़ करते हैं, उस वजह से ग्रेनाइट पत्थर के अंदर स्क्रेच वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पर सूखा हुआ अगर एरोडाइट ग्रेनाइट जॉइंट पे लगा होता है तो उसे पत्ती से कुचरने की वजह से उसके अंदर टांचे वगैरह लग जाते हैं, उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं पत्ती से जब एरोडाइट को उतारते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पैड दिखा रहे हैं, ये डिश जो दिखा रहे हैं आपको, इससे आप बहुत ही आसान तरीके से, आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आप इस ग्रेनाइट पत्थर से आप गंदगी, एरोडाइट वगैरह कुछ भी, मसाला वगैरह कुछ भी जमा हो, उसको बहुत ही आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, जैसे आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हो। ये बहुत ही, इसके ऊपर मलबा जैसे काम चलता है, टाइल्स वगैरह लगी तो उसके ऊपर मसाला, एरोडाइट, बहुत से इसके ऊपर केमिकल इसके ऊपर जमे हुए थे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस 80 नंबर पैड से हम इसको बहुत ही आसानी से इसको साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये बॉर्डर के अंदर भी जो जॉइंट के ऊपर एरोडाइट वगैरह लगा हुआ होता है, वो भी देखो आप कितनी आसानी से इसके ऊपर से साफ़ हो रहा है, एकदम पाउडर की तरह ये बन के उड़ जाता है और बिल्कुल क्लीन ग्रेनाइट इसके अंदर से वापस निकल जाता है, जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं। तो अब आपको घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, कितना भी इसके ऊपर मसाला जमा हुआ हो, कितना भी इसके ऊपर एरोडाइट वगैरह कुछ भी जमी हुई हो, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डिश देख सकते हो और इस डिश के माध्यम से आप ग्रेनाइट को बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर सकते हो। तो मैंने और भी पहले वीडियो इस प्रकार के बनाए थे, तो दोस्तों कई कमेंट मेरे पास में आए थे कि भाईजान आप इसके बारे में हमें पूरी अच्छी तरह जानकारी दें कि कौन से आप इसके अंदर पैड यूज करते हो जिससे ग्रेनाइट आसानी से साफ़ हो जाए। तो दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये जो डिश है इससे आप जमा हुआ पानी भी, अगर पत्थर के ऊपर जमा हुआ है पानी कोई, तो वो भी आप इससे डिश से आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हो, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हो। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। और दोस्तों, आप इसी प्रकार आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपको और भी पॉलिश करने के और भी नए नए ट्रिक आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर अभी तक बने हुए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए डिश के ऊपर, ये बहुत डिश कम से कम आपको 200 से 300 फुट, 400 फुट तक आपके ये ग्रेनाइट साफ़ कर सकती है आसानी से, और इस डिश का कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब आपके लिए ग्रेनाइट मार्बल वगैरह सफाई करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार और आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक, अच्छे अच्छे पॉलिश करने के नए तरीके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहें, हमें वीडियो अच्छा लगने पर लाइक आप ज़रूर करें ताकि हमें आपके वीडियो अच्छा लगने पर हमें पता चले कि आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, ताकि हम उससे
बढ़िया और अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो ला सकें। और आप हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हो, हर प्रकार के आपको डिज़ाइनिंग के, हर प्रकार के पॉलिश करने के ट्रिक हमने आपको बताए हैं, और भी आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।